हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज डिस्कस करते हैं डिवाइस के बारे में। तो अगले वीडियो में बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें मैं डिवाइस के बारे में मैं समझा दिया था, जैसे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो वह भी एक सवाल आता है कि ये डिवाइस होता क्या है और इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। तो चलिए आज इसी चीज़ को हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो डिवाइस जैसे मान लीजिए एक मोबाइल है, वो भी एक डिवाइस है, लैपटॉप है वो भी एक डिवाइस है, सीपीयू है वो भी एक डिवाइस है, कीबोर्ड एक डिवाइस है, माउस एक डिवाइस है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉनिक जो है बहुत सारे डिवाइस होते हैं। तो इनमें से हम कैसे समझेंगे कि कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है और डिवाइस कितने होते हैं। तो चलिए पहला हमारा जो है आज का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं डिवाइस के बारे में। ये जो डिवाइस होता है, डिवाइस चार होता है, देखिएगा आप लोग अच्छे से, एक दो तीन चार, ऐसे हम चार डिवाइस होते हैं और चारों को हम मैं आसान यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्मली में फोर डिवाइस, ठीक है। कितने डिवाइस होते हैं, चार होते हैं। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं इनपुट, क्या बोलते हैं, इनपुट, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम प्रोसेस, और प्रोसेस अच्छा नंबर थ्री जो होता है, जगह नहीं है थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ, नंबर थ्री जो होता है देखिएगा यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट। नंबर जो फोर होता है वो होता है स्टोरेज, ठीक है, STOREGE, स्टोरेज। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, कितने डिवाइस में, चार डिवाइस में। अच्छे से फिर एक बार डिवाइस तो मैं पहले बोला था, लेकिन डिवाइस है क्या और किस किस को बोला जाता है, कितने पार्ट में होता है। तो डिवाइस चार होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। आज भी बहुत अच्छे से हम इसको समझ लेंगे, देखिएगा थोड़ी देर में क्लियर होने वाला है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा वीडियो को, थोड़ी देर में हम पूरा समझ जाएंगे और खुद ये चीज़ हम दूसरों को बता पाएंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। इनपुट जो होता है, इनपुट जो इन में वर्क होता है, जैसे कि मान लीजिए एक क्लासरूम के अंदर जब कुछ बच्चे आते हैं तो इन में आ जाते हैं, कहाँ आते हैं, इन में, मतलब अंदर आ जाते हैं, तो इसको हम इनसाइड बोलते हैं। जो बाहर, जब क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं उसको हम आउटसाइड बोलते हैं। यही चीज है इसमें, जिसका काम अंदर हो उसको इनपुट बोलते हैं, जिसका काम बाहर हो वो आउटपुट बोलते हैं। तो अब इनपुट और आउटपुट तो आप समझिए, प्रोसेस क्या होता है, पहले हम कोई भी चीज़ को इनपुट करते हैं, उसके बाद एक प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट होता है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने बुलाया कि सर, तो मैं वहाँ पे बोलूँगा, पहले वो कानों में आएगा, कान में से जो दिमाग में जाएगा, दिमाग में प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद मैं बोलूँगा आंसर, हाँ बोलो। तो जो मेरा प्रोसेस था उनके आवाज़ आने तक, मेरे दिमाग में जाने तक, उसके बाद निकलना मेरा आंसर निकलता है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। हर चीज़ को ऐसा है, कोई बच्चा जब अंदर में आता है क्लास करने और क्लास में अंदर आ जाते तो इन में आ जाते हैं, और वहाँ पे जितना देर तक क्लास करता है वो प्रोसेस होता है। जितना देर तक कोई बच्चा क्लास करता है, क्लास क्या होता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर वो निकल जाता है क्लास से, तो आउट हो गया। तो यहाँ पे इन हुआ, उसके बाद प्रोसेस हुआ, उसके बाद आउट हो गया, लेकिन उसके बीच ये स्टोरेज एक रह जाता है आपके मन में। स्टोरेज क्या है, जितना समय तक मान लीजिए एक घंटा का क्लास हुआ, 45 मिनट्स या 30 मिनट्स जो भी क्लास हुआ, जितना एक टीचर बोलते हैं हर बच्चा उतना कैच नहीं कर पाता, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बात ऐसी होती है जो उसके दिमाग में घुस जाता है या परमानेंटली वो सीख लेता है। जो सीख लेता है वो इसका स्टोर में फिक्स्ड हो गया, मान लीजिए उसके स्टोर रूम में जमा हो गया। तो यही चीज़ होता है, जो हम प्रोसेस से सीख पाते हैं वो स्टोरेज है। जैसे मान लीजिए हम एक बहुत बड़ा मूवी, एक अच्छा मूवी देखे और मूवी से कुछ ऐसा पॉइंट रह जाता है जो हमारे दिमाग में रह जाता है। सारा मूवी 3 घंटा का हम नहीं बता सकते, लेकिन उसमें से ऐसा ऐसा कुछ पॉइंट रह जाता है जो हमारे दिमाग में बैठा रह जाता है। वो क्या हुआ, स्टोरेज हुआ, किस चीज़ से, वो 3 घंटा का जो प्रोसेसिंग हुआ उस 3 घंटा में कुछ स्टोरेज हमारे पास हो गया। तो ऐसे ही, तो सेम प्रोसेस में तरीका मेरा इसीलिए ऐसा था कि आप लोग समझ पाए अच्छे से, हर चीज़ को इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट होता है। जैसे मान लीजिए घर पे कोई काम करते हैं तो पहले हम इन करते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट होता है, हर चीज़ को ऐसे ही होता है। कोई चीज़ इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट होता है, और प्रोसेस के टाइम पर जो हमारा दिमाग में रह जाता है परमानेंटली उसको हम बोलते हैं स्टोरेज। मुझे लगता है आप लोग समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो फिर से मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा कि डिवाइस जो होते हैं चार होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। तो ये इस चीज़ है क्या, देखिए यहाँ पे एक और सर्कल आता है IPO, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है।
I से इनपुट, P से प्रोसेस, O से आउटपुट, हर एक चीज। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट, स्टूडेंट्स क्या हुए, स्टूडेंट क्या हुए, यहाँ पे इन में हुए, इन, ठीक है। मतलब मैं इनपुट लिख देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, इनपुट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे 3 घंटा का क्लास, 3 आवर्स, 3 आवर्स क्लास में हुआ, वो हुआ प्रोसेस, ठीक है। और इसमें उसके बाद वो लोग बच्चे निकल गए क्लासरूम से, वो हुआ आउटपुट, आउटपुट, ठीक है। अब ये जो प्रोसेसिंग हुआ 3 आवर्स का, इसमें से हमें ग्रामर सिखाया गया। ग्रामर में जैसे मान लीजिए आपका पार्ट ऑफ इसलिए सिखाया गया, तो उसमें बहुत सारा, लेकिन उसमें से एक ही चीज़ मुझे याद है, नाउन किसे कहते हैं। तो जो नाउन किसे कहते हैं वो मुझे याद है, मतलब जो एक ही सवाल या जवाब मुझे याद है वो हो गया स्टोरेज। क्या हुआ, स्टोरेज, स्टोरेज। तो एक ही चीज में सीखा, 3 घंटा का क्लास किया लेकिन सीखा एक ही, तो मेरा स्टोर रूम में आ गया। तो यही चीज होता है। अब हम कुछ डिवाइस का नाम लिखते हैं और उसका वर्क बताते हैं। जैसे मैं मॉनिटर, यहाँ पे एक मॉनिटर बना लिया, ठीक है, अच्छे से देखिएगा, ये मॉनिटर, मॉनिटर को मैं बताया था कि ये कौन सा डिवाइस है, आउटपुट है। ये मैं कैसे पकड़ लिया कि आउटपुट हो सकता है, इसको हमें जानना है। जितना भी चीज ये सीपीयू में रहता है, ये सीपीयू है, सीपीयू क्या है, मैं वीडियो में बताया था सीपीयू क्या है, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का दिमाग है, ब्रेन है, ठीक है। और एक कौन सा डिवाइस है बाद में जानेंगे, अभी पहले इसको जानते हैं। आउटपुट क्यों है मॉनिटर, मॉनिटर आउटपुट क्यों है, क्योंकि सीपीयू में जितना सारा चीज रहता है, म्यूजिक हो, गेम हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, सब कुछ हम, हमें कहाँ दिखाता है, मॉनिटर में दिखाता है। कहाँ दिखाता है, मॉनिटर में। तो मॉनिटर हम उस चीज़ को आउट कर देता है, जो इसके अंदर है उस चीज़ को मॉनिटर दिखा देता है, मतलब वो एक आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है, सबको पता चल जाता है। तो मॉनिटर एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब सीपीयू, सीपीयू क्या है, सीपीयू तो आप सब समझ गए होंगे कि सीपीयू क्या है, क्योंकि हम जब भी कुछ काम करते हैं तो पहले दिमाग में जाता है, तो दिमाग एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। दिमाग क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये वाला है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, ये कौन सा डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। अब आप लोग को दो डिवाइस के बारे में पता चाहिए, एक आउटपुट, एक प्रोसेसिंग। अब चलिए कीबोर्ड बनाते हैं, क्योंकि मेनली 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मैंने बताया था, तो एक कीबोर्ड बनाते हैं, ठीक है, कीबोर्ड बनाते हैं। अब कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, ये हमें देखना है। ये देखिए ओयर है, कहाँ जाकर लगा है, सीपीयू में लगा है। तो यहाँ से जब हम कुछ टाइप करते हैं, कुछ टाइप करते हैं, मान लीजिए राम इज ए गुड बॉय, तो कहाँ जाता है, यहाँ से निकल के जाता है आपका जो है सीपीयू में, मतलब प्रोसेसिंग में जाता है। यहाँ मैंने इन किया, मतलब टाइप जो किया वो इन के अंदर अंदर चला गया, यहाँ पे सीपीयू में चला गया। सीपीयू से जाएगा कहाँ पे, मॉनिटर में। तो मॉनिटर तो आउटपुट है, कीबोर्ड का फंक्शन क्या है, इनपुट, मतलब ये अंदर रह जाता है। अगर एग्जांपल के तौर पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक क्लिक किया कीबोर्ड में और एक निकल के ऐसे ऊपर से जाकर डायरेक्ट मॉनिटर में घुस गया, तो आउटपुट डिवाइस होगा कीबोर्ड, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, इम्पॉसिबल चीज है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये वायर के माध्यम से या जैसे भी हो, ये पहले सीपीयू में जाता है। ये कहाँ जाता है, सीपीयू में जाता है, सीपीयू प्रोसेस करके उसके बाद इसको आउट करता है। तो मैं बताया था यही सर्कल यहाँ पे काम आता है, आईपीओ, ये वाला चीज को ध्यान में देखिएगा, आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, समझ गए होंगे। अब एक और चीज बचा है, माउस, माउस, माउस का कनेक्शन मैं दे देता हूँ यहीं पे, देखिए कीबोर्ड और माउस का कनेक्शन कहाँ लगाया जाता है, सीपीयू में लगाया जाता है। ये भी हमें पता चल गया, अभी एक क्लास में ये भी पता चल गया कि सीपीयू का जो कनेक्शन होता है वो कहाँ लगाया जाता है, सॉरी माउस का कनेक्शन और कीबोर्ड का कनेक्शन कहाँ लगाया जाता है, सीपीयू में लगाया जाता है, सीपीयू, सीपीयू में लगाया जाता है। अब माउस का देखिए, माउस जब हम चलाते हैं, माउस को मैंने एक पॉइंटिंग डिवाइस बताया था, पॉइंट करता है कहाँ कहाँ हमें जाना है, कहाँ जाना है, ये हमें दिखा के देता है, पॉइंट करता है। तो ये चीज जो है, माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पहले एक कहाँ जाता है, प्रोसेसिंग में, प्रोसेस के बाद कहाँ हम इसको कहाँ देख पाते हैं, मॉनिटर में, ऐसे एक एरर के रूप में रहता है, ठीक है। तो एक भी एक क्या हुआ, कौन सा डिवाइस हुआ, आप लोग बता सकते हैं ये कौन सा डिवाइस हुआ, मुझे लगता है आप लोग एकदम ओवर से बता पाएंगे, क्योंकि ये इनपुट हुआ। अब ये समझने का तरीका और एक है कि जो भी चीज जाके प्रोसेस में हो के उसके बाद जाता है तो इनपुट में जाता है। देखिए इनपुट चीज रहता है जो प्रोसेसिंग में जाता है, आउटपुट थोड़ी ना आगे प्रोसेस में घुसेगा, हर इनपुट प्रोसेस में जाता है, उसके बाद उसका रिजल्ट आउटपुट होता है।
तो यहाँ पे हमें चार डिवाइस, जो इम्पोर्टेड चार डिवाइस था उसमें मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, इस चारों में से कौन सा डिवाइस है, ये अब एकदम आसान हो गया आज से हम लोगों के लिए। मॉनिटर जो है ये आउट कर देता है हर चीज़ को, छुपाया हुआ कोई भी चीज़ को ये आउट कर देता है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जब भी हम टाइप करते हैं अगर मॉनिटर का कनेक्शन काट दिया जाए तो क्या टाइप किए हमें पता नहीं चलेगा, खुद भी पता नहीं चलेगा हम एक घंटे से क्या टाइप कर रहे थे। जब तक मॉनिटर कनेक्टेड है तब तक हम देख पाएंगे कि हमने अभी ये वाला एप्लीकेशन लिखा या कुछ भी लिखा, जो भी लिखा हम देख पाएंगे। लेकिन मॉनिटर अगर डिसकनेक्ट हो गया, मान लीजिए मॉनिटर का कनेक्शन मैंने काट दिया, तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे, इनपुट होकर प्रोसेस में ही रह जाएगा, आउटपुट रिजल्ट नहीं हमें मिलेगा कि मैंने किया इतना देर से मैंने क्या किया। ठीक है, तो समझ लिए होंगे मेरे ख्याल से, इसको देखिएगा। जो डिवाइस के बारे में फिर से एक बार ये कर देते हैं, डिवाइस कितना होता है, चार, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे आईपीओ, कौन सा सर्कल, आईपीओ, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब एक स्टूडेंट, जब कोई भी स्टूडेंट, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट अगर क्लासरूम में इन करते हैं तो उसको हम इनपुट बोलते थे, इनसाइट बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं इनपुट बोल दिया उसको, तीन घंटा तक जो क्लास की उसको मैं प्रोसेसिंग पकड़ लिया। ठीक है, वो प्रोसेसिंग हुआ, उसके बाद वहाँ से निकल गया, आउटपुट हो गया, लेकिन जो वहाँ से सीख के अपने दिमाग में रख लिया उसको स्टोरेज बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये चार जो डिवाइस है, चार में से इनपुट दिखा दिया, दो प्रोसेस एक दिखा दिया, आउटपुट एक दिखा दिया। अब स्टोरेज के बारे में थोड़ा बात करते हैं, स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सा है। स्टोरेज डिवाइस में देखिए, आपने कभी सीडी का कैसेट देखा, सीडी कैसेट पहले जो चलता था, सीडी डिस्क का, देखिए वो वाला सीडी डिस्क ऐसा, पेन ड्राइव आपने देखा होगा, पेन ड्राइव। ठीक है, ये पेन ड्राइव जो होता है क्या होता है, मेमोरी कार्ड होता है, ये वाला एक स्टोरेज डिवाइस है। अब आप लोग बोलेंगे कि कंप्यूटर में इसको स्टोरेज समझाइए, तो मैं अभी बता देता हूँ। ये जो चीज होता है, जैसे हमारे कंप्यूटर में, मान लीजिए कंप्यूटर नहीं मोबाइल पे जाते हैं तो इजीली समझ पाएंगे, हमारे मोबाइल में 32 GB, 64 GB या 128 GB ऐसा जो हमें स्टोरेज मिलता है, जो मेमोरी का कैपेसिटी मिलता है, ये किस लिए मिलता है कि ताकि हम उसमें म्यूजिक, फोटो या वीडियो कुछ भी रख सकें। अगर उसमें फुल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर से एक मेमोरी कार्ड लगाते हैं और उस मेमोरी कार्ड में अपना स्टोरेज शुरू कर देते हैं। वो फुल होता है तो उसको निकाल कर रख के दूसरा और एक मेमोरी कार्ड घुसा देते हैं और उसमें स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो एक एक स्टोर रूम होता गया, तो मेमोरी कार्ड भी एक स्टोर है। कैसेट क्या होता है कि पहले तो सीडी कैसेट में हम क्या करते थे कि उसमें सीडी में ही सब कुछ रिकॉर्ड करके रख देते थे, तो वो हमारे कंप्यूटर में जगह नहीं लेता था, वो वहाँ से आउटपुट होकर उसको स्टोर में करके रख दिए। पेन ड्राइव भी ऐसा होता है कि पेन ड्राइव भी होता है, उसमें मान लीजिए 10-15 मूवी है, वो हमारे लैपटॉप में अब जगह नहीं हो रहा है, तो हम उसको कॉपी करके पेन ड्राइव में घुसा लिए और उसको रख दिया अलग से, तो हमारा वो स्टोर हो गया और हमारे कंप्यूटर का जो स्पेस था वो खाली हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, डिवाइस चार होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, और ये चार में से मैंने स्टोरेज भी दो दिखा दिया, एक पेन ड्राइव, मैं नाम लिख दूँ पेन ड्राइव और एक है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, सीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी। ठीक है, एक मेमोरी कार्ड ऐसा छोटा सा मैं बना देता हूँ, आपको तो मेमोरी सबको पता ही होगा, मेमोरी देखे होंगे, जो चीज़ इसमें से आपको पता नहीं, जैसे पेन ड्राइव आपने कभी नहीं देखा या कैसा होता है, तो इसको आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक उसका पिक्चर आ जाएगा, पेन ड्राइव का पिक्चर कैसा होता है, आजकल तो बहुत आसान है। तो इस चीज़ को पहले आपको ये जानना है कि डिवाइस और इनपुट डिवाइस कितना है, ये भी आप देख सकते हैं मेरे अगले वीडियो में, मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट सबका कुछ नाम लेकर आऊंगा। और इसमें इतना ही, आज के लिए वीडियो में इतना ही, जय हिंद, जय भारत, आप सब अच्छे रहें और हमारे वीडियो को आगे देखते रहें, ताकि एकदम कंप्यूटर के लिए आपका फुल नॉलेज हो, कहीं पे कॉन्फिडेंस के साथ आप जा सके, बातचीत कर सके, और कहीं पे अगर समझे ना तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, मैं उसके लिए तुरंत वीडियो बना के आपके पास सेट कर दूंगा। ठीक है, आप लोग आराम से समझ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।